मुनिवल्लभादीश की जय। शिव साईं जी परम दयालु की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं 252 वैष्णव वार्ता। आज 36वां दिन भाग 36 शुभारंभ कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब श्री गोसाई जी के सेवक मधुसूदन दास गौड़िया ब्राह्मण वृंदावन में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। ये मधुसूदन दास तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम बंदिनी है। बंदिनी इंदुलेखाते प्रकटी हेताते इनके भाव रूप हैं। ये मधुसूदन दास गौड़ देश में एक ब्राह्मण के जन्मे से हुए। ब्राह्मण रूप सनातन को सेवक हो तो सुबह प्रतिवर्ष अपने गुरु के दर्शनार्थ वृंदावन जातो। तहाँ कछुक दिन रह गुरुन की टहल करतो। पाछे गुरुन आज्ञा पाए अपने देश आवतो या प्रकार करतो। ऐसे करत मधुसूदन दास बरस 20 के भय। तब वह मधुसूदन दास को अपने साथ वृंदावन ले चलो। सो वृंदावन में आए मधुसूदन दास को रूप सनातन को सेवक किए। पाछे मधुसूदन दास अपने पिता के साथ वृंदावन रहे। सो वृंदावन की लता पतान की शोभा देख मधुसूदन दास को मन वृंदावन में लग गयो। ता पाछे कछुक दिन में मधुसूदन दास को पिता देश चलने लागो। तब मधुसूदन दास पिता से कहो जो हो तो अब ब्रज वृंदावन छोड़ के तुम्हारे संग ना जाऊंगा। मेरो मन तो यहाँ लगो है, ताते हो तो अब ब्रज में ही रहूँगा। तब पिता ने इनको बहुत समझाए कहो जो बेटा अभी तू तो बालक है, तेरो ब्याह भयो नाई और मैं वृद्ध भयो हूँ। ताते तू अभी मेरे साथ देश को चल। मेरे मरे पाछे तेरी इच्छा आवे वहाँ रहियो। पर मधुसूदन दास ना माने। तब पिता हार के अपने देश को चलो। सुजाति विरिया इन रूप सनातन सो विनती करी जो ये बालक है सो मैं तुम्हें सौंप जाता हूँ। तब रूप सनातन कही जो कोई बात की चिंता मत करो, तुम सुखेन जाओ, इनको मैं अपने पास रखूँगा। तब पिता मधुसूदन दास को कछु खर्च दे देश को गयो। पाछे मधुसूदन दास तो निशंक वह ब्रिज में विचरण लागे। वार्ता प्रसंग एक। सोए मधुसूदन दास एक समय श्री गोसाई जी पास श्री गोकुल आए। तब मधुसूदन दास और वे और के सेवक हते। सो श्री गोकुल आए तब श्री गोसाई जी के दर्शन करे। तब मधुसूदन दास के मन में यह आई जो इनके सेवक बूझिए तो अच्छी बात है। सो वही समय मधुसूदन दास श्री गोसाई जी से विनती करे जो महाराज मोह पर कृपा करके आप मुँह को अपनो सेवक करो। तब श्री गोसाई जी इनकी आरती जान तभी इनको स्नान कराए नाम निवेदन कराए आप प्रभु भोजन को पधारे। तब मधुसूदन दास को श्री गोसाई जी यह आज्ञा करे जो मधुसूदन दास आज प्रसाद लेवे को तुम यहाँ ही आई हो। तब वह दिन तो मधुसूदन दास प्रसाद वहाँ ही लिए। पाछे दूसरे दिन मधुसूदन दास पाक करता थे सो ता समय श्री गोसाई जी भोजन की भीतर भोजन को भीतर पधारत थे। सो मधुसूदन दास को प्रभु ने देखो। तब श्री गोसाई जी ताठौर पधारे मधुसूदन दास को पूछे जो मधुसूदन दास तुम पास कछु द्रव्य है। तब मधुसूदन दास ने श्री गोसाई जी से विनती करी जो महाराज खर्च तो थोड़ो सो है गांठ में। तब श्री गोसाई जी यह आज्ञा मधुसूदन दास से श्रीमुक्ति करे जो मधुसूदन दास आज तो तुम यहाँ प्रसाद लो और सवारे अपने घर जइयो। तब मधुसूदन दास ने श्री गोसाई जी से विनती करी जो महाराज जान लो मेरी गांठ में द्रव्य है, तहाँ लो तो रसोई कर प्रसाद लेऊंगो और जब द्रव्य निकटेगो तब कोरी भिक्षा कर निर्वाह करूँगा पर आपके चरणारविंद नीचे पड़े रहूँगा। तब श्री गोसाई जी दो दिन तो प्रसाद मधुसूदन दास को भीतर लेवाए। तीसरे दिन मधुसूदन दास आज्ञा मांग रसोई करण लागे। सो जब खर्च निगट्यो तब मधुसूदन दास कोरी भिक्षा कर लागे। सो जब दिन चार भिक्षा करत भय तब एक दिन श्री गोसाई जी मधुसूदन दास को पूछे जो मधुसूदन दास अब कैसे निर्वाह करत हो। तब मधुसूदन दास अपने सर्व समाचार श्री गोसाई जी को आगे कहे जो महाराज दिन दोए को खर्च हतो। तब तो सवारे रसोई कर भोग धर राजभोग भय पाछे प्रसाद ले तो और अब तो भिक्षा मांग रात्रि को सिद्ध कर राखत हूँ। सो सवारे रसोई कर श्री ठाकुर जी को भोग धर वह प्रसाद नाप के दर्शन को आवत हूँ। सो दर्शन करके प्रसाद लेके फिर भिक्षा करने जाता हूँ।
तब श्री गोसाई जी मधुसूदन दास को पूछे, जो भिक्षा कौन कौन के घर की लावत हो। तब मधुसूदन दास प्रभु से विनती करे, जो वैष्णव के घर के थे, भट्ट जी के घर थे और भीतरिया ब्रजवासी के घर थे लावत हूँ और बनियान की हाट में सो मांग के निर्वाह करत हूँ। तब श्री गोसाई जी मधुसूदन दास को कहे, जो और सवन के घर से भिक्षा लीजियो, पर भट्ट जी के तथा भीतरियान के घर से एक कनिका मत लीजियो। वह प्रकार सुकाये थे, जो वे श्री गोसाई जी के घर को संकल्प द्रव्य लेते हैं ताते उनके घर की सत्ता ले तो वैष्णव को सर्वथा बाधक हो। सो आगे विष्णुदास छीपा की वार्ता में कह आए हैं। तब मधुसूदन दास श्री गोसाई जी के वचन सुन के त्यों ही करने लागे। पाछे केतिक दिन को श्री गोसाई जी ने उन मधुसूदन दास को श्रीनाथ जी के वीरान की सेवा सौंपी। सो मधुसूदन दास भली भांत सो श्रीनाथ जी के पानन की सेवा करने लागे और उष्णकाल के दिन में गर्मी जब बहुत होए तब मधुसूदन दास चार प्रहर रात्रि को पंखा करते। ऐसे करते केतिक दिन भय। सो एक दिन श्री गोसाई जी पान घर में पधारे, तहाँ देखे तो मधुसूदन दास की आँख निद्रा में झुकी रही है, आलस्य बहुत ही नेत्रन में भरे रहे हो है, पर पंखा हाथ से चलो ही जाता है। तब श्री गोसाई जी मधुसूदन दास की यह प्रकार की सेवा को सेवा सो बहुत प्रसन्न भय। पर श्री गोसाई जी पधारे सो मधुसूदन दास ने ना जानी। वे मधुसूदन दास श्रीनाथ जी के पालन की सेवा देह रही, तहाँ ताँ यह प्रकार करें। यह वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव को सेवा में ऐसो व्यसन चाहिए, कब प्रभु प्रसन्न होए और तभी जीव कृतार्थ होए। सो श्री आचार्य जी भक्तिवर्धनी ग्रंथ में कहते हैं सो श्लोक, यदा अश्यात व्यसनम कृष्णे कृतार्थ अश्यात तदेव ही। सो मधुसूदन दास को सेवा को यह प्रकार व्यसन सिद्ध भयो हतो, ताते श्री गोसाई जी उन मधुसूदन दास ऊपर सदा कृपा करते, बहुत प्रसन्न रहते। वे मधुसूदन दास श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। अब श्री गोसाई जी के सेवक रूपचंद नंदा छत्री सुबह आगरा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। सो रूपचंद नंदा राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम सोन जूही है, ये इंदुलेख आते प्रगटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। सो सोन जूही चंद्रावली जी की अष्टोत्तर सत अंतरंग सखीन की मुखिया हैं। श्री चंद्रावली जी के हार्द को जानन हारी हैं और सोन जूही की एक सखी हैं, ताको नाम सुगंधनी है। सो यहाँ हरिचंदा भाई रूपचंद नंदा के भाई ये दो आगरा में एक क्षत्रि के जन्मे। सो वह क्षत्रि बड़ो द्रव्यवान आतो। सो वह के दो बेटा है, एक को नाम रूपचंद नंदा और दूसरे को नाम हरिचंदा। ये दो भाई बालपने थे वैराग दशा में रहते, इनको चित्त लौकिक में लगे नहीं। ये बरस 10-12 के भाई तब पिता ने दोन को ब्याह कियो, तो ये दो भाई वैराग दशा में ही रहे। सो रूपचंद नंदा को पिता वासुदेव दास छकड़ा को जजमान हतो, ताते वासुदेव दास छकड़ा अपनी जजमानी को प्रतिवर्ष आगरा इनके घर आवते। सो जब रूपचंद नंदा बरस 30 के भय तब इनको पिता मर्यो, ता पाछे एक समय वासुदेव दास आगरा आए। सो इनके यहाँ उतरे तब रूपचंद नंदा ने वासुदेव दास को पूछो, जो पुरोहित जी या देव श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे हुई, साक्षात दर्शन कैसे हुए। तब वासुदेव दास ने इनके दैवी जीव जान कहो, जो श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, ताते श्री गोसाई जी की शरण जाओ तो सब मनोरथ सिद्ध होए। तब रूपचंद नंदा ने ये बात अपने भाई हरिचंदा से कही, तब हरिचंदा ने कहो, जो चलो श्री गोसाई जी के सेवक हो जिए। तब दो भाई ने वासुदेव दास छकड़ा से कहो, जो पुरोहित जी हमको कृपा करके श्री गोसाई जी के सेवक कराओ। तब इन दो भाई को आग्रह देख वासुदेव दास छकड़ा कहे, जो तुम हमारे साथ अड़ैल चलो, श्री गोसाई जी वहाँ विराजत हैं। तब दो भाई वासुदेव दास छकड़ा के साथ अड़ैल को चले। सो कछुक दिन में अड़ैल आए पहुँचे, तहाँ श्री गोसाई जी के दर्शन पाए। सो साक्षात कोट कंदर्प लावण्य रूप सो श्री गोसाई जी आप दो भाई को दर्शन दिए। तब दो भाई चक्रत से हुए रहे, पाछे वासुदेव दास छकड़ा ने सर्व समाचार श्री गोसाई जी से कहे, जो महाराज ये दो भाई मेरे जजमान क्षत्रिय हैं, सो आगरा में रहते हैं, देवी जी में ताते आपकी शरण आए हैं, सो कृपा करके शरण ले। तब श्री गोसाई जी प्रसन्न हुए, दोन को कहे, जो जाओ त्रिवेणी में स्नान करे आओ। सो दो भाई त्रिवेणी में स्नान करे पाछे श्री गोसाई जी के पास आए, दो हाथ जोड़े ठाड़े हुए रहे।
तब श्री गोसाई जी कृपा करे दो भाई को श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान नाम निवेदन कराए। सुबाही समय दो भाई को श्री नवनीत प्रिया जी अनुभव जताए, साक्षात दर्शन दिए। तब दो भाई गदगद है श्री गोसाई जी को दंडवत करे विनती कर जो करी, जो महाराज आज हमारे जन्म सफल भयो, सो राज के चरणारविंद पाए, अब हम को कहा आज्ञा है। तब श्री गोसाई जी दो भाई ने सो कहे जो घर में रह के भगवत सेवा करो। तब रूपचंद्र नंदा ने विनती की नहीं जो राज हमको तो सदा आपके चरणारविंद मिले, ये ही अभिलाषा है। तब श्री गोसाई जी प्रसन्न हुए, कुमकुम मंगाए, एक वस्त्र पर दो चरण में कुमकुम लगाए, छाप के दो भाई को दिए और आप आज्ञा किए जो इनकी सेवा करियो। पाछे दो भाई श्री गोसाई जी के पास कछुक दिन अड़ेल में रहे, सेवा की रीत सीखेता पाछे आज्ञा मांग अपने देश आगरा को आए। ता पाछे कछुक दिन में श्री गोसाई जी श्री गोकुल पधारे, तब आगरा में रूपचंद्र नंदा के घर विराजे। सो रूपचंद्र नंदा ने भक्ति भाव सो श्री गोसाई जी को अपने घर पधराए और स्त्री जन आदि सबको नाम निवेदन करवाए। पाछे श्री गोसाई जी तहाँ ते श्री गोकुल पधारे। आज की वार्ता को यहीं विश्राम करें और यहाँ से आगे की वार्ता आप कल श्रवण करेंगे। सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।